सो गाइस यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कुछ इनडायरेक्ट शॉट्स देख लो बैलेज स्टैगर से, उसके बाद मिलते हैं। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. आई होप गाइज ये इंडायरेक्ट और आप लोगों को पसंद आया होगा बहुत ही ज़्यादा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। और गाइज राजदास भाई का जो कमेंट आया था, ठीक है, रिक्वेस्ट आया था कि भाई बैलेज स्टैगर विद फ्लेयर पावर के साथ गेम प्ले लाओ, वो भी न्यूयॉर्क टेबल में, ठीक है, तो न्यूयॉर्क टेबल पे भी खेलेंगे, सिंगापुर में भी खेलेंगे और मुंबई अरेना में भी खेलेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा होने वाला है। आज बैलेज स्टैगर के साथ गेम प्ले होने वाला है, तो प्लीज़ यार आप लोग के लिए मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ और बहुत बड़े बड़े टेबल्स में गेम प्ले कर रहा हूँ, वो भी कम पावर वाले स्टैगर से, तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है यार वीडियो को, मुझे लाइक करने के लिए बोलना ना पड़े, तो प्लीज़ यार लाइक कर दो यार, बार बार मुझे बोलना ना पड़े, ठीक है, तो लाइक कर दो। और चैनल पर जितने भी लोग नए आए हो या फिर जितने भी लोग नए आए हो, ठीक है, वो पहले पूरा वीडियो को वॉच करो, उसके बाद सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैंने बोल रहा हूँ कि अभी यार सब्सक्राइब कर दो, कॉन्टेंट आपको पसंद आता है तभी जाके आप लोग सब्सक्राइब करना, पहले फुल वीडियो को वॉच करो, ठीक है, अगर आप लोग को गेम प्ले पसंद आता है तभी जाके आप लोग सब्सक्राइब करना, वरना मत ही करना, ठीक है। तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, सिंपली अभी कुछ मत करना, वीडियो को पहले लाइक कर दो। और इस गेम प्ले को फिनिश करने के बाद अभी देखो चारों तरफ से पक्स फंसी हुई है, बट देखो किस तरीके से तुम्हारा भाई कनेक्शन निकालता है पक्स को, किस तरीके से रिलीज करता है, तो तुम्हारे भाई का कनेक्शन आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है। तो पहले गेम प्ले देखना और वीडियो को भी तो लाइक कर ही दो यार, ठीक है, उसके बाद जो है बात करेंगे हम लोग और बड़े टेबल्स की, जैसे कि मुंबई अरेना खेलेंगे, ठीक है, कैरो गैलरी खेलेंगे और न्यूयॉर्क और सिंगापुर तक खेलेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा कमाल होने वाला है, धमाल होने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक देखो बिना कुछ मतलब बिना सेकेंड स्किप किए, ठीक है, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, गेम प्ले पे फोकस करेंगे इसके बाद, ठीक है, अब मज़ा आएगा गेम प्ले पे, पूरा फोकस गाइस गेम प्ले करना और मेरी बातों को ध्यान देना, ठीक है। तो गाइस देखो कैरो गैलरी पे आ चुके हैं, ब्रेक अपने पास आई है, सिंपली से बैलेंस स्टैगर टेबल है, ब्रेक थोड़ी डिफरेंट है, इस ब्रेक को बीच सेंटर से हिट करना पड़ता है कुछ इस तरीके से, जो कि एक पक टॉप राइट टॉप लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर पॉकेट होगी और हो चुकी है इजीली। और यहाँ से हम लोगों ने क्रॉस खेला बंस को रिलीज करने के लिए और फिनिशिंग देखो गाइस, बस आप लोग इस वाले पक्स को क्रॉस खेलेंगे टॉप लेफ्ट साइड में, दो पक्स पॉकेट हो चुकी है, ब्लैक के साथ क्वीन भी हमारा पॉकेट हो चुका है इजीली, और इस वाली ब्लैक को फास्ट मारेंगे और देखते हैं इससे कुछ पक्स रिलीज होती है कि नहीं। अभी भी थोड़ा बहुत बोर्ड जो है फंसी हुई है, बट कोई नहीं, अभी पक्स भी बहुत सारे हैं, इसे रिलीज किया जा सकता है, ठीक है। तो स्टैगर का पावर और ये पावर एम सब कुछ कम है यार बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो देखो किस तरीके से बैलेंस स्टैगर से तुम्हारा भाई फिनिश करके दिखा रहा है आप लोगों को, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, मतलब सब्सक्राइब मत करो, अभी जो नए हैं वो तो सब्सक्राइब करो ही मत, फुल वीडियो को वॉच करो, और अगर आप लोगों को कॉन्टेंट पसंद आता है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों को कॉन्टेंट पसंद आएगा यार, आपका भाई का गेम प्ले ही कुछ ऐसा है, ठीक है, फेयर पावर है यार, मजाक नहीं है, ठीक है, स्किल है अपना, और उसके लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑटो प्लेयर वैसा वैसा, तो क्या ही बोलूँ यार, पहले भी ऑटो प्ले नहीं था तो पहले भी इससे अच्छा गेम प्ले किया था, अभी भी उससे अच्छा ही गेम प्ले कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे इंप्रूव भी हो रहा है मेरा गेम प्ले, अगर ऑटो प्ले चल जाता है ना तब भी देखना यार कितना खतरनाक गेम प्ले रहता है, अभी आप लोग भरोसा नहीं कर सकते, तो चलो कोई नहीं, सेकेंड गेम प्ले हम लोगों ने ब्रेक फिनिश कर लिया, थर्ड गेम प्ले चलते हैं न्यूयॉर्क टेबल की ओर, और न्यूयॉर्क टेबल का डिमांड था तो न्यूयॉर्क टेबल कुछ दो या तीन गेम प्ले करेंगे न्यूयॉर्क टेबल में, ठीक है, तो डिफरेंट ब्रेक है कुछ इस तरीके से, हिट किया हम लोगों ने बीच से सेंटर से और कुछ इस तरीके से, एक पक पॉकेट हो चुकी है टॉप राइट साइड में और इस वाले पक को टॉप लेफ्ट साइड में ले लिए, अभी क्या करेंगे इस वाले पक्स को क्रॉस खेलेंगे टॉप लेफ्ट साइड में, ठीक है, और जो ऊपर वाली पक्स थोड़ी बहुत फंसी हुई थी उसको भी निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से, रिलीज हो चुकी है और सारे के सारे पक्स गाइस देखो कितने खुले दिख रहे हैं, मतलब पूरे के पूरे पक्स रिलीज दिख रहे हैं, ठीक है, बस हम लोग को थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा और इजिली बैक टू फिनिश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस पक्स को कनेक्शन खेले और इजिली ये पॉकेट हो चुकी है टॉप लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे गाइस, ये वाली जो पक है इसको खेलेंगे कुछ इस तरीके से और रास्ता पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है, इसको खेलेंगे थोड़ा सा जिस तरह, मतलब इसको खेल के क्वीन को हम लोगों ने रिलीज कर लिया है और सारे के सारे पक्स इजीली क्लियर हो चुके हैं, अभी किसी भी पक्स को खेलेंगे तो इजीली ये ब्रेक टू फिनिश हो जाएगा, तो सबसे पहले इस पक्स को खेल लेते हैं, थोड़ी बहुत धकेल लेते हैं क्वीन को और इजीली गाइस बोर्ड पूरा क्लियर हो चुका है, यहाँ से आगे वाली पक्स को ले लेंगे जिस तरीके से,
और क्वीन भी हम लोग का श्योर हो चुका है, तो ये गेम भी बहुत ही अच्छा फिनिशिंग हुआ। ठीक है, तो भाई का न्यूयॉर्क टेबल का ज़्यादा डिमांड था, ठीक है, तो इसलिए न्यूयॉर्क टेबल दो या तीन गेम प्ले करेंगे न्यूयॉर्क टेबल। उसके बाद हम लोग सिंगापुर जाएंगे यार, घबराओ मत, सब खेलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंगापुर में आ चुका है, और जितने भी ये सिंगापुर सॉरी न्यूयॉर्क टेबल में जितने भी ये प्लेयर है ना, ये ऑटो प्लेयर है, सारे के सारे ऑटो प्लेयर है यार। और मेरे कॉइन्स भी बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं, बट क्या करूँ, आप लोगों का डिमांड है, पूरा करना ही पड़ता है। तो आप लोगों का डिमांड के लिए कुछ भी यार, कॉइन्स का तो चाय बोले हटाओ। तो कुछ इस तरीके से हिट किया हम लोगों ने, और ब्रेक हिट हो चुकी है। अभी क्या करेंगे, इस वाले पक्स को फास्ट मारेंगे कुछ इस तरीके से, कुछ हुआ नहीं इससे। अभी क्या करेंगे, इस बीच वाली जो पक है इसको कुछ इस तरीके से लेंगे, और ये पॉकेट हो चुकी है, और बंच हम लोग का पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अभी सभी पक्स को आराम से खेल लेते हैं, और इजीली ब्रेक फिनिश हो जाएगा ये भी, कि पूरे पक्स का कनेक्शन दिख रहा है सभी तरफ से। ठीक है, बट मैं एक पक्स को निकालने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, क्योंकि टॉप लेफ्ट साइड में थोड़ी बहुत फंसी हुई थी, बट इजीली जा रही थी, बट फिर भी यार मतलब इंडायरेक्ट खेलने का मन नहीं करता, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इंडायरेक्ट खेलते हैं, बड़े टेबल है उसमें, अगर ब्रेक चल जाती है ओपोनेंट के पास तो हो गया यार, चांस मिलने का चांस मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत डर रहा था कि कहीं यार ब्रेक ना चल जाए। बाकी छोटे टेबल मुंबई रहना रहता है ना, तो फिर भी मैं हिट कर लेता हूँ, बट देखते हैं क्या सीन होता है। फिर भी वही शॉट ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि वही चारा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो क्वीन को भी ले लेते हैं टॉप लेफ्ट साइड में, उसके बाद जो ये ब्लैक वाली जो पक है उसको भी लेफ्ट साइड में ले लेंगे, और जो थोड़ी बहुत फंसी हुई है, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे इसको, थोड़ी बहुत कहेंगे लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क भी है, तो कोई नहीं यार, इसको कुछ इस तरीके से ले लेंगे, ईजी है बट फिर भी। ठीक है, तो टॉप राइट साइड में नीचे की पॉकेट में ले लेते हैं, और ये इजीली गाइस ब्रेक टू फिनिश हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये ब्रेक टू फिनिश भी पसंद आया होगा। तो तीन गेम प्ले गाइस न्यूयॉर्क टेबल की ओर, तो वो फिर से हम लोग गेम कनेक्ट करते हैं, तीन गेम प्ले न्यूयॉर्क टेबल दिखाते हैं आप लोगों को, क्योंकि न्यूयॉर्क टेबल का ज़्यादा डिमांड था, इसलिए मैंने सोचा कि यार न्यूयॉर्क क्यों ना दिखा दूँ। ठीक है, तो डिफरेंट ब्रेक सॉरी इजी ब्रेक थी, हम लोगों ने हिट कर दिया कुछ इस तरीके से। अभी क्या करेंगे गाइस, इस वाली पक्स को थोड़ा क्रॉस खेलेंगे, और बंस को यहाँ से रिलीज करते हैं। ठीक है, और ओपोनेंट शायद आई थिंक जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे, सॉरी यार सब्सक्राइबर है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मिला था ना जब ये सेकंड टाइम बोला था कि भाई मेरे पास कॉइंस नहीं है, और मैं मिस भी कर गया था, लेकिन ऑटो प्लेयर निकला यार, क्या ही बोलूँ, ऑटो प्लेयर है ये लोग, और बोलता है कि भाई मेरे पास कॉइंस नहीं है, और ऐसे बोल करके आप लोगों को मतलब रोने वाला इमोजी भेज भेज करके आप लोगों को ब्लैकमेल करेगा, उसके बाद आपका कॉइंस लेके चल जाएगा और बोलेगा कि सॉरी भाई, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। ठीक है, तो किसी पर भी ट्रस्ट मत करना, खास करके न्यूयॉर्क और सिंगापुर पे। ठीक है, तो इसको क्वीन को ले लेते हैं सिंपली टॉप राइट साइड में ऊपर की ओर, और देखते हैं जो ऊपर वाली जो पक है उसको थोड़ा बहुत कनेक्शन बनाते हैं, और इजीली ये पक्स रिलीज हो चुकी है। अभी इसको खेलेंगे टॉप लेफ्ट साइड में इजीली, जो कि इजी जा रही है पॉकेट, और इजीली गाइस पूरे के पूरे बोर्ड क्लियर हो चुके हैं, और बहुत ही आसान तरीक़ों से ये ब्रेक टू फिनिश भी हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग गेम प्ले पसंद आया होगा, जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो अब तो कर दो। ठीक है, और देखो लास्ट मैच है ये सिंगापुर का, तो आई होप ये भी मैच आप लोग को पसंद आया होगा, और सिंगापुर का बिशमल्ला नाम है इस भाई का, और ब्रेक अपने पास आती है, और देखो कुछ इस तरीके से हिट करता है तुम्हारा भाई, और यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर ही है, थैंक यू सो मच बिशमल्ला भाई, बिग फैन, थैंक यू सो मच ब्रो। और देखो किस तरीके से तुम्हारा भाई यहाँ पे फिनिश करता है, बहुत ही ईजी है ये, और बहुत ही मतलब क्लियर तरीके से इसको इस ब्रेक को जो है इस गेम को फिनिश करते हैं सिंगापुर में। आपका वीडियो देखता हूँ, थैंक यू सो मच। और ये भाई मुझे दो गेम दे दिया, ठीक है, मतलब जब भी मेरे पास ब्रेक आती थी, मतलब उसके पास भी ब्रेक आती तो ये लीप करके चल जाता था, क्योंकि ये जानता था कि यार भाई ये फेयर प्लेयर है। ठीक है, तो रेस्पेक्ट करता है, तो दिल से लव यू ब्रो, लव यू टू, और काफ़ी अच्छा लगा यार मुझे आपसे खेल के। आई होप गाइस आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर गाइस, बाय।